नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो तृतीय वर्ष के छात्र हैं, इनके साथ साथ जो भी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और जितने भी छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर पढ़ते हैं, उन सभी के लिए सूचना है। सूचना के साथ साथ एक वीडियो भी ये है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। दो कॉपियाँ, यानी दो कॉपी के पेज दिख रहे हैं। पहला पेज है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की एनुअल एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलती है। आप चाहे जिस भी कोर्स के विद्यार्थी हों, चाहे आप बीए के हों, चाहे आप बीएससी के हों, सब कुछ अगर आपकी परीक्षा अगर होगी तो फिर इसी कॉपी में आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। ये कॉपी का प्रारूप है। इसका पहला पेज कैसे होता है, कुल मिला के कितने पेज होते हैं, और कल से जो एग्ज़ाम चालू है या जो भी एग्ज़ाम जुलाई या मई में होने वाले हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, और जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो का मेन मोटिव यह है कि परीक्षा की कॉपी कैसे आती है, परीक्षा में कॉपी में क्या क्या भरना रहता है, वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, और कितनी लंबी कॉपी रहती है, कितनी चौड़ी कॉपी रहती है, कितने पेज की कॉपी रहती है, ये जानना आपको बेहद आवश्यक है। सभी छात्र बहुत ध्यान देंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, हमारे सामने कॉपी दिख रही है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, और ऊपर नीचे जाएगा तो उसमें माइंड मत करिएगा। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का नाम, यानी कि आपको सबसे पहले 32 पेज की कॉपी मिलेगी, 32 पेज की कॉपी रहेगी आपकी। और इसके साथ साथ फिर 32 पेज में पहले तो एक पेज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी रहेगी, उसमें आपसे नेम ऑफ एग्जामिनेशन पूछेंगे, कौन सी परीक्षा हो रही है, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर हैं या थर्ड ईयर हैं तो वो लिखेंगे, आप ईयर लिखेंगे, वर्ष तो वर्ष है आपका थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर जो भी है, सब्जेक्ट आप लिखेंगे आपका, जैसे हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी लिखेंगे, आपका अगर हिंदी का पेपर है तो आप यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। फिर यहाँ पे पेपर प्रश्न पत्र क्या है, कोड नंबर क्या है, फिर आप अपना रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन डालेंगे, फिर रोल नंबर आप डालेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है, और उसके बाद साइन ऑफ, पूर्ण हस्ताक्षर जो होता है वो आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट, क्वेश्चन पत्र संख्या, और यहाँ पे सारी चीज़ें ये रहेंगी। ये आपका पहला पेज है, पहले पेज में आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। इसके साथ साथ आपका नाम कहीं नहीं मेंशन है, आप नाम वाम मत लिखिएगा, और परीक्षा की कॉपी में आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन इसका आप यूज कर सकते हैं, ब्लैक स्केच का भी, स्केच का आप यूज भी कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा आप इधर उधर यूज मत करिएगा, ब्लैक और ब्लू पेन का ही आप यूज करिएगा। 32 पेज की कॉपी आपकी होगी, मैंने आपको पहले बता दिया है। पहला पेज आपका इंट्रोडक्टरी पेज रहेगा, जिसमें आपको अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जितना पूछा गया उतना लिखेगा, बहुत आर्यभट्ट वरामहिर्भन बनिएगा। इसके बाद फिर आपको पहला पेज आपको ऐसे मिलेगा, जो यहाँ पे हमें सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला पेज है। A4 साइज की कॉपी से ज़्यादा, A4 साइज की जो कॉपी रहती है उतना पेज, देखिए कितना बड़ा पेज है आपको दिख रहा है, कितना ये पेज है, और A4 साइज की कॉपी से थोड़ी लंबाई इसकी ज़्यादा होती है, और लंबाई के साथ साथ चौड़ाई थोड़ी कम होती है। तो बहुत विद्यार्थी कोशिश ये करते हैं कि देखिए, अगर A4 साइज है कॉपी, हम यहाँ पे आपको देखिए, जैसे A4 साइज की कॉपी है ये, तो हमारी कॉपी का पेज यहाँ पे सामने दिख रहा है। बहुत लोग इधर भी स्केल पारते हैं, बहुत लोग इधर स्केल पारते हैं, बहुत लोग ऊपर भी पारते हैं, बहुत नीचे पारते हैं, और बच्ची इतनी जगह, इतने में लिख कर आते हैं, वो एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि जिस स्थिति से आप निकले हैं वैसे स्थिति से एग्जामिनर भी आपके निकला होगा, वो भी आपका मास्टर है। तो कोशिश ये करिएगा, जब आपको कॉपी आपकी मिले, तो कॉपी मिले अगर आपको, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि उतना ही लिखा जाए जितना ही पर्याप्त रहेगा। मान लीजिए आपकी कॉपी मिली है, ये एक पेज कॉपी का है, तो आप सिंपल सी बात है, स्केल लीजिए और एक आराम से लाइनिंग आप खींच दीजिए इधर, एक लाइन बहुत होता है आपके लिए, एक लाइन आप ऐसे, ये तो सीधा सीधा मैं नहीं खींच पा रहा हूँ, एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, बहुत एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करिए, यहाँ से आप आराम से लिखना स्टार्ट करिए, इसको लाइन नहीं खींचिएगा, एक लाइन इधर बहुत है, और हल्का सा स्पेस इधर भी आप छोड़ दीजिए, ये लाइन नहीं, ये आपको मतलब लाइन नहीं खींचना है, वरना फिर बहुत कम में आप एरिया हो जाएगा। तो थोड़ी लंबी कॉपी रहती है और चौड़ाई थोड़ी सी कम रहती है, ये पेपर में आपको ऐसी कॉपी मिलेगी 32 पेज। चुनौती ये रहती है कि कॉपी बहुत सॉफ्ट होती है, लिखने में मज़ा भी आता है, लेकिन आपको लाइनिंग एक ही तरफ खींचना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, एक तरफ लाइनिंग खींचिए, आराम से लिखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, थोड़ा गैप दीजिए, स्पेस दीजिए, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करिए,
सिस्टमैटिक तरीके से, फिर तीसरा पैराग्राफ आपको एक ही पेज में लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करिए। तो एक सिस्टम बंधा रहे, सिस्टम बंधा रहने का मतलब कॉपी आपकी दिखने में अच्छी लगे। ये सभी विद्यार्थियों के लिए, ऐसे एमए के विद्यार्थियों की कॉपी मिलेगी, ऐसे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए भी कॉपी मिलेगी, या बीएससी या बीकॉम, कॉपी सादी रहती है तो कोई भी पेज वेज मतलब लाइनिंग वाला कोई काम नहीं रहता, सादी कॉपी रहती है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप जो है अच्छे से उसको लिख पाए। तो इतना काम आप करिएगा, ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी का ऐसा पूरा मामला रहता है। तो ये कॉपी आपको ऐसे ही मिलेगी, पहले पेज में आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी, उसके बाद 32 पेज की कॉपी रहेगी, और 32 पेज में कॉपी जब आपको मिलेगी, 32 पेज का मतलब 16 पन्ना, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज बहुत दिमाग लगाते हैं, एक पन्ने में आगे पीछे दो पेज होता है, ये एक पेज है, ये एक पेज माना जाएगा इसको, उसके पीछे पलटेंगे तो दो पेज मिलाकर एक पन्ना होता है, यानी 16 पन्ना और 32 पेज, 32 पेज ये कॉपी आपकी रहेगी। पूरी कॉपी मैंने आपको दिखा दी है, ऐसे ही कॉपी आपको मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए जानना कि आपके सामने कैसी कॉपी आने वाली है, कैसे आपको करना है। लिखना स्टार्ट करिएगा तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करिएगा। एक कैंसल राइटिंग में मैं वीडियो बना दूंगा, अभी शाम तक वो भी अपलोड हो जाएगा। आजकल आपका पेपर स्टार्ट है, और जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है वो भी बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। ये बात थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।